चाहता हूँ कि इमरान खान अगर कुत्ते को भी टिकट देना इस इलाके में आ जाए, हम उनको भी वोट देंगे। इंशाल्लाह सलमान ने इनको, हम सिर्फ बल्ले को। आप किसी को भी नहीं पसंद कर रहे? मैं किसी को भी नहीं। आपके ख्याल में ज़ैन कुरैशी साहब, सलमान नईम साहब को डेड है, सब डेड है। वोट किसे डालने जा रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब? हां भाई, मैं तो गिरता ही नहीं किसी को। अच्छा, वोट डालते नहीं है फिर? दरख्त को भी खड़ा कर दे तो दरख्त को वोट। ये भाई जिस तरह कह रहे हैं, खोते को कुत्ते को खड़ा कर देते तो तब भी दे देते। दरख्त को, ईंट को, रेड़ी को, जिस मर्जी को। सलमान नईम साहब को, इमरान खान को, ज़ैन कुरैशी, इमरान खान साहब को जी। एज पर सस्पेंशन यही कहा जा सकता है कि नून लीग करेगी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क के 20 हलकों में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला था, वहां इंतखाब होने जा रहा है। जिस जगह में इस वक्त मौजूद हूँ, मुल्तान शहर का ये अहम तरीन हलका है जहाँ भी इंतखाब होगा। सलमान नईम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली यहाँ से नायल हुए और उनकी नायली के बाद यहाँ इंतखाब इस वक्त हो रहा है। ज़ैन शाह कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उनके साहबजादे इस बार इंतखाब लड़ने यहाँ से जा रहे हैं सूबाई असम्बली का, सलमान नईम साहब के मुकाबले में। आइए लोगों से जानते हैं कि वो वोट किसे डालने जा रहे हैं, सलमान नईम साहब को या फिर ज़ैन शाह कुरैशी साहब को। ले चलते हैं आपको लोगों की तरफ। आपके हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है तो वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को या सलमान नईम साहब? ज़ैन कुरैशी साहब को। ज़ैन कुरैशी साहब को इंशाल्लाह जी। उसकी वजह क्या है, सलमान नईम साहब ने काम नहीं किए थे यहाँ से मुंतखब? क्या काम करने थे उन्होंने, पहले कौन से काम किए थे? वो हुकूमत में तो अब आए थे, उन्होंने क्या काम करने थे? वो तो अब उन्होंने तब्दीली की, उनके पास आए, लोटे बन गए हैं, वो उनके साथ गए हैं। अच्छा, यानी कि लोटे बन गए तो उसकी वजह से आपने वोट नहीं डालना दिया? बिल्कुल, पहला वोट इन्हीं को दिया था, बड़ा इमरान खान को दिया था, छोटा इसे सलमान नईम को दिया था, इसी वजह से ये नहीं दे रहे। इस वजह नहीं दे रहे? हाँ जी, इस बार नहीं देना। हाँ, बिल्कुल नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसे डाले जा रहे हैं? अरे हमारा वोट तो इधर नहीं है, है ही नहीं। हम पढ़े क्या? ये बताएंगे वोट किसे डालेंगे, सलमान नईम को देंगे जी? सलमान नईम साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। शेर को नहीं देंगे, सलमान नईम को देंगे। अच्छा, यानी कि मुस्लिम लीग नून को आप वोट नहीं डालेंगे, सलमान नईम को देंगे बस? तो मुस्लिम नून से नफरत है आपको? वैसे समझ लो टिकट तो नून लीग, इमरान खान का ज्यादा है लेकिन वोट सलमान नईम का। अच्छा, वैसे आप इमरान खान के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप वोट सलमान नईम साहब की शख्सियत का वोट है? ये तजाद कैसा है? पाकिस्तान तहरीक साहब आप उनको पसंद करते हैं, वोट इन्हें डालते हैं, क्या करें? वो शाह साहब की वजह से पट्टी साइड पे गया ना। अच्छा, शेर को आप पसंद नहीं करते, वोट शेर को डालते हैं? वो हम सलमान नईम को घेर रहे हैं। ये तजाद क्यों है, मतलब आप किसको पसंद नहीं करते? पता है भाई, सलमान नईम से लेकिन उसके शख्सियत को वोट घेरते हैं हम, उसकी शख्सियत पूरा था और किसी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे डालने जा रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब को? ये तो सलमान नईम साहब हो या मतलब है कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। आप वोट किसे देंगे आखिर, किसी ने? तो गवर्नमेंट मुलाजिम में ड्यूटी होती है, वोट बनता ही नहीं। अच्छा, आपने वोट डालना ही नहीं है? नहीं नहीं डालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिम है ना, तो DIG साहब का गनमैन हूँ मैं, तो फिर वो ड्यूटी लग जाती है, फिर वो जो है इस वजह से वोट ही डालता है। इस वजह से फैमिली काम होता लेगी, फैमिली देखो अब उनकी पसंद है, अपनी मर्जी है। आपके ख्याल के अंदर किसको पसंद करना चाहिए, जो काम अच्छा करेगा वो उसको डालेंगे? आपके ख्याल में कौन बेहतर होगा? देखो अब ये क्या कह सकते हैं, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग? हमने ज़ैन कुरैशी को वोट देना नहीं है, हमने देना है इमरान खान को वोट देना है। अच्छा, यानी कि ज़ैन साहब को नहीं दे रहे, इमरान साहब की वजह? इमरान खान साहब की? हाँ, उसकी वजह से दे रहे हैं उसको। यानी ज़ैन कुरैशी अगर आजाद होते तो आप वोट ना डालते? ना डालते उसको, इमरान खान साथ है इसके तो इसलिए दे रहे हैं उसको। अच्छा, इमरान खान साहब की वजह से? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। कि आपके हलके के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वोट किसे देने जा रहा है, ज़ैन कुरैशी साहब को या फिर सलमान नईम साहब को? ज़ैन कुरैशी। ज़ैन कुरैशी साहब की वजह से दे रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से? PTI इमरान खान की वजह से दे रहे हैं। यानी अगर ज़ैन कुरैशी साहब फर्ज करें मुस्लिम लीग नून के टिकट पे होते तो आप वोट ना डालते होंगे? नहीं, हम इमरान खान को वोट। आपने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया? हमारा लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को भी अगर किसी आम से कारकुन को नामजद कर देते फिर भी आप वोट नहीं देते? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके हलके के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वोट किसे डालने जा रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब? हां भाई, मैं तो गिरता ही नहीं किसी को। अच्छा, वोट डालते नहीं है? नहीं। उसकी वजह क्या है, इतना गुस्से क्यों है? गर्मी है भाई, तो उस दिन तो छुट्टी होगी, जब टाइम आएगा तो सोचेंगे भाई। अच्छा, अभी सोचा ही नहीं? अभी नहीं सोचा, तब तक सोचेंगे तकरीबन, जब वोट गिरेंगे। वैसे इनमें से बेहतर कौन है?
अल्लाह ही जाने कौन है अभी सही। ये बताएं कि आपके हलके के अंदर इलेक्शन और वोट किसे दे रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब? हम देंगे जी सलमान नईम को। सलमान नईम साहब को दे रहे हैं? हां, मुस्लिम लीग नून की वजह से दे रहे हैं, उनकी ज़ाती शख्स नून लीग की वजह से। अच्छा, नून लीग की वजह से? हां, नून लीग की वजह से सलमान नईम साहब को वोट डाले जा रहे हैं, और उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से उन्हें वोट डाले जा रहे हैं। अस्सलाम हल्के का अगर इलेक्शन हो रहा है, वोट किसे डाले जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला पिटाई को वोट देगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह। ज़ैन कुरैशी साहब को? ज़ैन कुरैशी को नहीं दे रहा, पिटाई को वोट दे रहा है। इमरान खान को हो रहा है वोट? अच्छा, ज़ैन कुरैशी साहब किसी और टिकट पे होता तो आप वोट ना देते उन्हें? क्या कह रहा? अगर ज़ैन कुरैशी साहब नून लीग के टिकट पे होता तो फिर तो वोट ना देते? मैं तब भी टिकट उसको वोट ना देता। कोई आम निकम्मा सा बंदा भी खड़ा हो जाए। कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर कुत्ते को भी टिकट दे ना इस इलाके में आ जाए, हम उनको भी वोट देगा। कुत्ते को भी वोट दे देंगे आप? इंशाल्लाह ताला कुत्ते को भी दे देंगे। कुत्ते को भी दे देगा, खोते को भी दे देगा, कुत्ते को भी दे देंगे, खोते को भी। हाँ, इमरान खान के टिकट ले बस। अच्छा, ये देखो खोता भी खड़ा हो जाए तो आपने वोट डाले? वोट डालने हमने। इतनी मोहब्बत की आपकी वजह क्या है? वजह ये कि आपको दो दिन पहले पता लगा होगा उन्होंने नैब खत्म कर दिया। हाँ। ये चोरी के इरादे बना कर आए हुए, ये चोर है। पाकिस्तान के नई नस्ल बिल्कुल समझदार है इस टाइम, और इंशाल्लाह ताला इन चोरों को डाकुओं को हम खत्म करेगा, इमरान खान को दोबारा लाएगा। ये बताएं कि किसे वोट डाले जा रहे हैं, सलमान नईम साहब को, ज़ैन कुरैशी साहब को? ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी साहब? ज़ैन कुरैशी साहब की ज़ाती शख्सियत की वजह से या तहरीक इंसाफ की वजह से? नहीं, तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की वजह से? जी जी। यानी अगर तहरीक इंसाफ किसी और को खड़ा कर देते तो फिर वो दरख्त को भी खड़ा कर दे तो दरख्त को वोट? भाई जिस तरह कह रहे हैं खोते को कुत्ते को खड़ा कर देते तो तब भी दे देते? दरख्त को, ईंट को, रेड़ी को, जिस मर्जी को। अच्छा, यानी कि दरख्त को, ईंट को, किसी को खड़ा कर देते आपने तहरीक इंसाफ? हमारा वोट तहरीक इंसाफ का है। गुलाम नहीं रास्ता नहीं पकड़ना, गुलाम नहीं बनना। इमरान खान? इमरान खान भाई, इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान आप भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ के नौजवान जो है उनकी गुफ्तगु सुनी, जो ज़ैन कुरैशी साहब है उनकी शख्सियत से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहमियत दी जा रही है। तो आपके हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है तो वोट किसे डाल रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब को? जी नसीब है जो जी। वैसे आपका कुछ कोई पता नहीं जड़ी महंगाई की थी खड़े। अच्छा, महंगाई कौन? महंगाई जाने महंगे हर जगह महंगाई। महंगाई कर कौन रहा है? महंगाई कर कौन? क्या पता क्या बैठ रहे इमरान खान पहले। आप कौन कर रहे हैं? हाँ? आप जरा बैठे हुआ महंगाई घट करे। अच्छा, तो फिर आप वोट किसे देंगे? वोट जरा महंगाई घट करे थी कुछ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तो जो सूरत हाल नजर आ रही है, एज पर सिचुएशन यही कहा जा सकता है कि नून लीग इस वक्त विन करेगी, क्योंकि इमरान खान की वजह से जो है ना, वैसे तो इमरान खान का। आप वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम वोट कास्ट करेंगे नून लीग को। नून लीग के लिए वोट कास्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, वो हम लोग उनको वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि जो शाहजी की नफरत का वोट जो है वो सलमान नईम साहब को मिलेगा। शाहजी की नफरत का? जी, शाहजी की नफरत। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे शाहजी की वजह से? जी, शाहजी क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने इलाके में आकर दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, कभी भी अपने वोटर हजरात को जो है ना कभी फोकस नहीं किया। जस्ट सुनिए, उनका कहना था कि ज़ैन कुरैशी साहब की नफरत का जो वोट है वो उन्हें मिल सकता है शाह महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपके हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे कास्ट करने जा रहा है, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब को? ज़ैन कुरैशी साहब को कास्ट करें। ज़ैन कुरैशी साहब को? जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से या उनकी ज़ाती शख्सियत? इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान साहब ज़ैन कुरैशी साहब को टिकट ना देते, किसी और को देते तो आप वोट किसे देते? फिर भी उसी को देते जिसको टिकट मिलता, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी जी। जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलता ये वोट उसे ही कास्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि आपके हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है तो वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब को? इमरान खान को। ज़ैन कुरैशी? इमरान खान साहब को। जी। ये ज़ैन कुरैशी साहब को आप इमरान खान साहब की वजह से वोट दे रहे हैं, उनकी ज़ाती शख्सियत? नहीं नहीं, इमरान खान जैसे। इमरान खान साहब मतलब किसी आम बंदे को खड़ा कर देते तो फिर आप ज़ैन साहब को देते? इमरान खान उनको बंदे को देते उसको? इमरान खान को देंगे। यानी कि जिसको भी वो खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसको बेशक दरख्त की कर कोई चीज की मर्जी खड़ा कर दे, जो मर्जी खड़ा कर दे आपने वोट उसे देना है। जिन्होंने जो मर्जी खड़ा कर दे वोट, इनका यह कहना है कि उन्होंने उसे ही डालना है। हलके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे दे रहे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब को, सलमान नईम साहब को? सलमान नईम साहब को। सलमान नईम को वोट देने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से, उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से? नून की वजह से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से? जी जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से सलमान नईम साहब जो है उनको ये वोट कास्ट करने जा रहे हैं। एक और लोग मैं समझूँ ना, उनसे बात करते हैं।
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, کسے ووٹ ڈالیں, سلمان نعیم صاحب کو یا زین قریشی صاحب کو؟ انشاءاللہ سلمان نعیم کو. سلمان نعیم صاحب کو. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, کسے ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, سلمان نعیم صاحب کو زین قریشی صاحب کو؟ ضمیر کا ووٹ ہے, جس کو دل ماننے کا دے دیں گے. ابھی تک آپ کے ضمیر نے فیصلہ نہیں کیا ہے؟ نہیں. کب کرے گا؟ جب ووٹ سر پہ آئے گا اس ٹائم دیکھیں, اس ٹائم فیصلہ کریں گے. ہاں جی بالکل. کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, کسے ووٹ کاسٹ کریں, زین قریشی صاحب کو, سلمان نعیم صاحب کو؟ ہم صرف بلے کو. صرف بلے کو. ہاں جی. اگر بلہ کسی کو بھی امیدوار نامزد کر دے تو آپ کا ووٹ ادھر ہی ہونا تھا. ہاں جی بالکل. لوٹے کو تو مسترد کرتے ہیں نا. لوٹے نے کیا کرنا ہے؟ اچھا یعنی کہ کسی درخت کا کام ہے صرف واش روم میں نظر آنا بس, یعنی کہ ادھر نظر نہیں آنا اس میں. ان شاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, ووٹ کسے جا رہے ہیں اس بار آپ کے؟ ہمیں پتہ نہیں الیکشن کہاں ہوتے ہیں. آپ کے الیکشن کا ہی پتہ نہیں ہے؟ سلمان نعیم صاحب کو. صرف اور صرف خان صاحب کو. خان صاحب کو. ایماندار بندے ہیں, ان کی طرح لوٹے نہیں ہیں, کرپٹ نہیں ہیں. انشاءاللہ خان زندہ باد. اچھا تو خان زندہ باد. یعنی کہ زین قریشی صاحب کو نہیں بلکہ خان صاحب کو؟ ہماری طرف سے وہ کسی کو ملا ہے عمران خان کو, ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا. خان صاحب کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھڑا کر دیں گے. السلام علیکم. السلام جی. یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, ووٹ کسے کے دے جا رہے ہیں, سلمان نعیم صاحب کو یا زین قریشی صاحب کو؟ ووٹ انشاءاللہ نواز شریف کا. ووٹ نواز شریف صاحب کے لیے؟ سلمان نعیم صاحب کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے یا نواز شریف؟ نہیں نہیں نہیں, وہ کیا نام ہے, ذاتی شخصیت نواز شریف کے لیے. گفتگو آپ نے سنی میرے ساتھ. السلام علیکم. آپ کے لیے الیکشن ہونے جا رہا ہے, ووٹ کسے کاسٹ کریں گے, سلمان نعیم صاحب کو, زین قریشی؟ دیکھو سارا میں کوئی قابل ہے؟ آپ کسی کو بھی نہیں پسند کر رہے؟ میں کسی کو بھی نہیں پسند. آپ کے خیال میں زین قریشی صاحب, سلمان نعیم صاحب کو ڈیڈ ہیں؟ سب ڈیڈ ہیں. تو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے؟ کاسٹ ہی نہیں کرنا. باقی امیدوار بھی تو دھوکے, آپ کتنی بار دھوکے کھاؤ گے؟ ساری زندگی تو ہوگی دھوکے کھاتے ہوئے, 60 سال ہو گئے, 70 سال. ووٹ ہی نہیں ڈالنا ہے؟ ووٹ ہی نہیں ڈالنا. ان صاحب کا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتایا کہ آپ کے حلقے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, ووٹ کس طرف جا رہا ہے؟ ووٹ سلمان نعیم صاحب کو یا زین قریشی صاحب کو؟ سلمان نعیم صاحب. کسی کو بھی نہیں دینے کا. کسی کو بھی نہیں دینا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وجہ ایسی ہے جیسے یہ دور آج کل چل رہا ہے, غریبوں کا جیسے چل رہا ہے نا, اس لیے سارے رولے پڑے ہیں اس کی وجہ سے. گفتگو آپ نے سنی نوجوانوں کی, اس حلقے کے رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کی گفتگو سنی, اور انہوں کی رائے جو ہے وہ بھی آپ نے جانی کہ ملتان کے پی پی 217 کے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سلمان نعیم صاحب کے بارے میں اور زین قریشی صاحب کے بارے میں. رائے آپ کے سامنے رکھ دی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.